तो कूलम लॉ वैक्यूम की जगह मीडियम और सीजीएस कैसे करेगा? सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला किया एसआई सिस्टम में, वैक्यूम में फोर्स का ये फॉर्मूला, एसआई सिस्टम में मीडियम में एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला, के क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन एम क्या है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ये सब कुछ किस में चल रहा है, एसआई में। सीजीएस में अगर जाना है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, वन। तो ये सीजीएस का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, सीजीएस में वैक्यूम में ये फॉर्मूला फोर्स का, सीजीएस में मीडियम में यहाँ पर वन बाई के एक्स्ट्रा आएगा, बस ये नोट कर लें। तो सीजीएस में अगर मीडियम है और वैक्यूम नहीं है तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो सही आंसर आएगा, ये नोट करें, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे आया, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे याद करना है, तो वन बाई के लगाना है। आपके पास नहीं है शीट, फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो। ठीक है, वो तो बताया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे आया, पर आप इतना थोड़ा ना पेपर में करेंगे कैसे आया, आप तो सीधा लगाएंगे, ये फॉर्मूला है। तो करें स्टार्ट। देखो क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। तो प्लेस्ड इन अ मीडियम 9 सेंटीमीटर इज 16 डाइंस। तो कह रहे हैं दो इक्वल चार्जेस हैं, 16 डाइन की फोर्स है और डिस्टेंस आपको पता है। ऑन इंक्रीजिंग वन ऑफ द चार्ज बाई 56 टैट कूलम, सब सीजीएस है। तो अगर दोनों चार्ज पहले क्यू एंड क्यू है तो दूसरे केस में चार्ज क्यू एंड क्यू प्लस 56 है, एक बढ़ गया एक नहीं बढ़ा। इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी चेंज बाय 3 सेंटीमीटर। कह रहा है जी आर को भी चेंज कर दिया, पहले आर कितना था 9, अब 3 चेंज कर दिया, 3 बढ़ा दिया या 3 कम कर दिया, ताकि फोर्स की वैल्यू रिमेन्स सेम। तो आपको इसमें डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है और क्यू बताना है। देखो केस नंबर वन समझते हैं, केस नंबर वन में सीधा देखते हैं फोर्स की वैल्यू कितनी है, 16। मीडियम के बने वैक्यूम तो है नहीं, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के पहले दोनों चार्जेस बराबर थे तो क्यू एंड क्यू क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस उनके बीच में 9 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। केस नंबर 2 में दो चार्ज पहले क्यू एंड क्यू थे, एक चार्ज को बढ़ा दिया बाय 56 टैट कूलम, दूसरे को नहीं बढ़ाया, तो सेकेंड इक्वेशन देखो क्यू क्यू प्लस 56, लेकिन फोर्स रिमेनिंग द सेम, तो डिनोमिनेटर को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि न्यूमिनेटर बढ़ा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, ताकि रेशियो रिमेन्स सेम। तो माइनस नहीं कर सकते, प्लस करना पड़ेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर लें, के से के कट जाएगा तो क्यू आ जाएगा, क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर लें तो के की वैल्यू भी आ जाएगी, मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करें क्यू और के कैन बी कैलकुलेटेड आंसर है। इक्वेशन समझ में आ रही है, पहले सॉल्व तो आप करेंगे करेंगे जैसे करेंगे, इक्वेशन क्लियर है कि इक्वेशन बनेगी कैसे, कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है सबको, इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है। और ना 9 की जगह 9 प्लस 3 क्यों किया, क्योंकि न्यूमिनेटर बढ़ा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, ताकि फोर्स रिमेनिंग दी सेम। ठीक, कोई डाउट इसमें, इक्वेट कर लें तो भी 1 बाई के कैंसिल, तो अपने आप ही क्यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेशन नहीं कर रहा बट वैसे लॉजिक बता रहा हूं। नेक्स्ट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। देखो बहुत हार्ड कैलकुलेशन नहीं आती, मतलब इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी नहीं होगी, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको मेथड पता होना चाहिए। वो कैलकुलेशन इजी करके देगा पर आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल बॉल्स हैविंग अनलाइक चार्जेस इज 2 सेंटीमीटर।
अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लाइक चार्जेस का मतलब दोनों एक जैसे नेचर है, तो अनलाइक चार्जेस हैं। अब वो कह रहे हैं द रेडियस ऑफ बॉल्स आर मच लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसका मतलब दे आर पॉइंट चार्जेस। द बॉल अट्रैक्ट विद द फोर्स ऑफ, अट्रैक्ट का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ही, अनलाइक चार्जेस हैं, आपको फोर्स दे रहा है। नेक्स्ट है आफ्टर द बॉल्स हैव बीन कनेक्टेड बाय द वायर, और देखो ना दो बॉल्स को तार से जोड़ दिया, कॉन्टैक्ट में ले आए, और लेटर हैज बीन रिमूव्ड मतलब तार को उठा के फेंक दिया, तब वही कॉन्सेप्ट है कि अगर पहले चार्ज कितने हैं Q1 और दूसरे में चार्ज कितने हैं -Q2, तो केस नंबर वन जब उनको कनेक्ट नहीं किया तो F का फॉर्मूला 1/4πε0Q1Q2r2, तो यहाँ से Q1 Q2 एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, आपको इसकी वैल्यू 4πε1/9×10⁻⁹ पहले केस में फोर्स गिवन है और आर भी गिवन है क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ से सॉल्व करके Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, आपको फर्स्ट केस में फोर्स पता है आर पता है, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आ गए, पहला इक्वेशन क्लियर है। अब वो कहता है जी मैंने कनेक्ट कर दिया और उनको सेपरेट कर दिया, जब मैंने कनेक्ट करके सेपरेट किया एक पे चार्ज कितना था Q1, दूसरे पे चार्ज कितना था -Q2, तो दोनों जब कनेक्ट हुए तो नेट चार्ज क्या हो गया Q1 -Q2, और सेपरेट हुए तो Q1 -Q2/2 दोनों पे बराबर चार्ज आ गया, तो नई फोर्स की वैल्यू एफ डैश आ गई जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1/4πε0, दोनों का एवरेज चार्ज Q1 -Q2/2 Q1 -Q2/2 होल स्क्वायर हो गया बाय आर स्क्वायर। आपको इस इक्वेशन की फोर्स गिवन है एफ डैश, ये वैल्यू पता है और आर पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा Q1 -Q2 का होल स्क्वायर। मैंने किया नहीं, जस्ट ट्रिक, मैं हिंट दे रहा हूँ कि इससे ये आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आपको अब Q1 Q2 पता है, Q1 -Q2 का होल स्क्वायर पता है, आप इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने के कई तरीके हैं, क्वाड्रेटिक बन सकती है, नहीं बनानी तो मैंने हिंट लिखा हुआ है, आपको इस इक्वेशन से Q1 -Q2 पता है, आपको फर्स्ट इक्वेशन से Q1 × Q2 पता है, ये दोनों चीज़ें गिवन है, मैंने की नहीं बस हिंट लिखा हुआ है। आप मैथ्स की आइडेंटिटी लगाएं, Q1 + Q2 का स्क्वायर इज Q1 - Q2 का स्क्वायर + 4Q1 Q2, क्योंकि आपको ये पता है, क्योंकि आपको ये पता है, तो आप यहाँ से Q1 + Q2 निकाल लें, Q1 - Q2 भी पता है, Q1 + Q2 भी आ गया, सॉल्व करके Q1 Q2 कैन बी कैलकुलेटेड। मैथ्स अपना अपने पसंद है, ठीक है, नहीं तो बना लो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, दो चीज़ तो आई गई हैं आपके पास, मेथड समझ में आ रहा है। हालांकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने आते देखे नहीं है, तो कैसे करोगे यार बैठ बैठ के पेपर करोगे कि कैलकुलेशन करोगे, नहीं आते, बट आपको ट्रिक समझ में आ रहा है, और अगर आ भी गए तो ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आएगा, ऑप्शन पुट कर करके आंसर पता लग जाता है स्टूडेंट्स को, कि ऑप्शन Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर करके लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें दो इक्वेशन कैसे, आपको जो समझ में आनी चाहिए इक्वेशन नंबर वन कैसे बनी और इक्वेशन नंबर टू कैसे बनी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? शेयरिंग ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे लगा? ठीक है यहाँ तक। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 small charged spheres equal charges on them, वो कह रहे जी 3 spheres हैं, तीनों पे चार्ज बराबर है Q Q Q, आर प्लेस्ड, ए और सी फिक्स्ड है, वो कह रहे बी कैन मूव, सी एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 4×10⁻⁶ N ऑन बी, सी ने बी पे इतनी फोर्स लगाई, ऑब्वियसली सेम चार्ज है तो क्यू क्यू को क्या करेगा रिपेल, तो ऊपर की तरफ फोर्स आ गई। इससे पहले मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूं, फोर्स पता है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस पता है, तो कम से कम चार्ज तो निकाल ही सकते हो, तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0Q×Q/1×10⁻²² से चार्ज आ गया। अब क्योंकि तीनों स्फीयर पे चार्ज तो बराबर है तो क्यू 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 की वैल्यू तो पता लग गई। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं नेट फोर्स बताओ बी पे क्या है। अब एक चीज बताओ, ये चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, गिवन है, फोर्स भी गिवन है, अब ये चार्ज भी तो इसे क्या करेगा रिपेल करेगा, इसकी वैल्यू तो अब निकाल ही लोगे, कितनी 1/4πε0Q×Q इसका स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर दो वेक्टर्स कितने एंगल पर है 90, तो नेट आंसर क्या आएगा इसका और इसका स्क्वायर का अंडर रूट नेट आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसको होमवर्क नोट करें, बट समझ में आ रहा है कैसे करना है, इसमें लॉजिक लगेगा, तो फोर्स पहले चार्ज निकलेगा, फिर फोर्स निकलेगी, फिर इनका वेक्टर सम निकलेगा, इसको होमवर्क नोट करना। और लास्ट क्वेश्चन,
चार वो स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया, बात खत्म। ऑब्जेक्टिव शीट आपका होमवर्क है, ऑब्जेक्टिव शीट वन ओनली, बस वो आपने अगली बार करके आनी है। उसके सिर्फ डाउट होंगे प्लीज, ऑब्जेक्टिव शीट वन आपको मिली हुई है, आगे मत करना क्योंकि उसका लेवल चेंज है, वो मैं करवाऊंगा। तो प्लीज ऑब्जेक्टिव शीट वन आपने घर से करके आनी है, उसके डाउट क्लास में डिस्कस होंगे तो मार्क करके लाना। संडे को टेस्ट नहीं है,